करते हो। ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, ऐसे असंख्य नागरिकों के आशीर्वाद से आधुनिक भारत के लोकतंत्र के इस उत्सव में यह संभव हुआ कि वो व्यक्ति जो एक गरीब घर में पैदा हुआ, जिसने जीवन में संघर्षों के अलावा कुछ नहीं पाया, कुछ न देखा, वो व्यक्ति जो कांग्रेस के उपहास का, अपमान का केंद्र बिंदु बना, आज वही देश का प्रधान सेवक एक बार फिर आपके आशीर्वाद की कामना लिए हुए राष्ट्रभर में भारत का गौरवगान करते हुए एक संकल्प लेता है कि नए हिंदुस्तान को बनाना है, एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार को लाना। यह संकल्प पूरा हुआ साल 2014 में, जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उपहास करते हुए कहा कि एक गरीब चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये जनता की ताकत थी जिसने कांग्रेस के घमंड को तार तार किया। पोलिंग बूथ पर ये जनता गई, कमल का बटन दबाया और चाय वाले को देश का चौकीदार बनाया। कांग्रेस का घमंड आज भी सर चढ़ कर बोलता है। कांग्रेस के नेता अपमानों की झड़ी लगाते हैं, मोदी तो क्या उनकी मां तक को लज्जित करते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं के कानों तक अगर मऊ से आवाज पहुंचे तो गरीब जनता उनको बतलाना चाहती है कि इन 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों का असंख्य आशीर्वाद पाया है और जिसके माथे पर गरीब मां का आशीर्वाद हो, इटली वाले उसका बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के नेता देश में कहीं भी हो, उन तक अगर हम कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंचे तो वो जान ले कि नरेंद्र मोदी ने गत 5 वर्षों में जो 55 साल कांग्रेस पार्टी ना कर सकी वो इतिहास बनाया है। 30 करोड़ से भी ज्यादा जनता को बैंक का खाता दिलवाया। कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 55 साल की सत्ता में जब जब हाथ रहा है दिल्ली में, तब तब भारत की तिजोरी को लूटा गया। अरे ये तो मोदी था जिसने दिल्ली में हुंकार भरी कि जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, और भारत की तिजोरी से अगर रुपया निकला तो सीधा मोदी की सरकार में गरीब के खाते तक पहुंचा। आज कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट ऐसी कि साले साहब तो बोल ही रहे थे, जीजा जी भी इंटरव्यू देने लगे मोदी के बारे में। आज कांग्रेस की छटपटाहट ऐसी कि जो इटली छोड़कर कहीं घूमते नहीं थे, उत्तर प्रदेश में गंगा मैया के दर्शन करने निकल पड़े। आज कांग्रेस की छटपटाहट ऐसी कि चुनाव में जो जनेऊ दिखाते थे वो लोकसभा के चुनाव में सांप से खेलने लगे। लेकिन सुन ले और जान ले वो कि जनता भी समझदार हो चुकी है, जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के भविष्य को डसने का भरसक प्रयास किया है, इसलिए इस विष को जनता दूर भगाएगी और 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर मऊ में कमल का बटन दबाएगी, हरि नारायण जी को जिताएगी।